अध्यात्म का क्षेत्र बड़ा निराला है। विहंगम योग की साधना बड़ी विशिष्ट है। प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं, रांची में भी हुए हैं, सीआईपी रांची में हुए हैं, बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं। 192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की साधना पर प्रयोग किया गया, क्या पता चला? मस्तिष्क की जो अल्फा तरंगे हैं, वो अल्फा तरंगे अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त कर रही हैं। ऐसी तरंगे जिनसे तनाव बढ़ता है, ऐसी तरंगे जिनसे डिप्रेशन बढ़ जाता है, अवसाद बढ़ जाता है, ऐसी तरंगे जिनसे नकारात्मकता बढ़ने लगती है, वो सारी तरंगे न्यून होने लगती हैं, वो सारी तरंगे छीण होने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होगा? अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था बढ़ती है। वो शांत भी है और एक साथ सचेत भी है। ये प्रथम भूमि का परिणाम है। हम सब ये बराबर कहते रहे हैं कि साधना को किसी के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषियों से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता। लेकिन आज मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट इस परिणाम से, इस विहंगम योग की साधना के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है। आज अनेकों मनोचिकित्सक हैं जो विहंगम योग की साधना को मानसिक विकारों से मुक्ति का साधन समझ रहे हैं, मान रहे हैं और इसके लिए बता रहे हैं, कह रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसका व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया है, उन्होंने इसका रिजल्ट देखा है, तब कह रहे हैं। लेकिन साहब, ये जो मामला है, ये बड़ा गंभीर मामला है। प्रथम भूमि की साधना पर तो हम परीक्षण कर सकते हैं, मस्तिष्क में तार और लगा के, कुल यंत्र लगा के नाप सकते हैं यहाँ का क्या मामला है, मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन कर सकते हैं, हृदय का, यहाँ तो अध्ययन कर सकते हैं। मस्तिष्क की तरंगों पर साधना का, मस्तिष्क की तरंगों पर साधना का क्या प्रभाव पड़ रहा है जाना जा सकता है। हृदय में क्या परिवर्तन हो रहा है ये जाना जा सकता है। और इसका परिणाम भी बड़ा सुखद है। इसका परिणाम भी बड़ा ही रचनात्मक है, क्योंकि आज इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। बहुत से व्यक्ति यह कह देते हैं, मैं ध्यान का अभ्यास क्यों करूं, मैं साधना का अभ्यास करूं क्यों करूं, मेरे लिए यह क्यों अनिवार्य है। तो प्रारंभ में ये सारी चीजें उनके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद हो सकती हैं और हो भी रही हैं, जिसको हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ध्यान कोई निद्रा की अवस्था नहीं है, ध्यान कोई तंद्रा की भी अवस्था नहीं है। ये कोई निद्रा और तंद्रा की बात नहीं है यहां पर। यह एक अत्यंत स्वस्थ स्थिति है। यह एक अत्यंत स्वस्थ स्थिति है जिसमें साधक आसन पर स्थित होकर अपने मन और प्राण को केंद्रीभूत कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेता है, असीम आनंद और शांति का अनुभव करता है।
ज्ञान ध्यान मस्तान है, प्रेम उछंग अपार। कितनी मस्ती में आ जाता है एक साहब, एक साधक, उसी का वर्णन सद्गुरुदेव ने इन वाणियों में किया है। मन में ही माया है, मन में ही सारा खेल है। वो घर में रहे चाहे जंगल में चला जाए, अगर अगर मन नियंत्रित ना हो, अगर मन संयमित ना हो, तब एकांतवास तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। योगियों के लिए एकांतवास है। सारा खेल तो भीतर का है साहब, सारा खेल अंतःकरण का है। ध्यान इसीलिए है, यह ज्ञान इसीलिए है, विहंगम योग का यह विज्ञान इसीलिए है। घर में रहते, परिवार में रहते, अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन करते, जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो जाए। भाग कर जाएंगे कहां साहब, मन 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 तो सदैव सदैव साथ है। मन के माध्यम से हमारी शक्ति बाहर जा रही है। जितना हम अपने मन को साध सकें, जितना हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, और जितना हम अपने मन को सूक्ष्म बना सकें, उतने ही मस्ती में जिएंगे, उतने ही आनंद में रहेंगे। तो यह जो ध्यान है, यह कोई निद्रा की अवस्था नहीं है, तंद्रा की अवस्था नहीं है, यह अत्यंत स्वस्थ स्थिति है। जब एक साधक अपनी चेतना को केंद्रीभूत करता है, अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेता है, अपनी चेतना को सूक्ष्म बना लेता है, अनंत आनंद और शांति का ही अनुभव कर लेता है।